मैं भी तो हूं तेरा नंद नंदन। ये दोनों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेखक कह रहा है कि अनादिकाल से अब तक हम लोगों को अनंत बार मानव देह मिला, अनंत बार, और अनंत बार बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादा लोगों के लेक्चर सुने और समझा, लेकिन एक गड़बड़, एक अक्षर की गड़बड़ हो गई। तू ही मेरा है ये हमने नहीं माना, तू भी मेरा है ये माना, अर्थात ही की जगह हमने भी लगा दिया। तू भी माँ है, एक माँ घर में बैठी है, तू भी बाप है, एक बाप घर में है, तू भी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी बैंक में भी है, अर्थात जगत में भी हमारे मन का अटैचमेंट रहा और भगवान में भी मन का अटैचमेंट हुआ, ही नहीं लगाया। देखो सारी गीता क्या है, अर्जुन ने प्रारंभ में भी लगाया, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, प्रपन्न शिष्य, पन्न नहीं प्रपन्न, कंप्लीट सरेंडर। लेकिन भी लगाया, लेकिन इन लोगों को मारूंगा तो ये होगा वो होगा, पाप होगा नरक होगा, कंप्लीट सरेंडर भी करना कर रहा है और भी लगा रहा है अपनी बुद्धि भी। 18 अध्याय का लेक्चर हुआ, विराट रूप भी दिखाया, सब कुछ नाटक हुआ, लेकिन जमा नहीं अर्जुन को। तो भगवान ने कहा सुन, आखिरी बात मैं अब बता रहा हूं, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। सर्वगुह्यतमं भूय श्रुणु मे परमं वचः, सबसे प्राइवेट में प्राइवेट बात। अर्जुन होशियार हो गया, सबसे प्राइवेट बात क्या है? मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तू केवल मुझको अर्पित हो जा, मन बुद्धि दोनों मुझे दे दे, बुद्धि लगाना बंद कर मुझे दे दे, मैं ये व मन आधत सो मैं बुद्धि निवेश है, मैं अर्पित मनो बुद्धि। तू बुद्धि लगा रहा है ना, नरक होगा पाप होगा, पाप और नरक की परिभाषा मुझसे अधिक तू जानता है, तू गुरु को उपदेश देगा? अब भी अर्जुन चुप है। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मान छोड़ दे और माम एकम यानी ही लगा दे, माम एकम केवल मेरी शरण में आ जा। फिर अर्जुन के दिमाग में बीमारी आई कि पाप लगेगा तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अच्छा मैं सोचा, अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनंतव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, आप युद्ध करूंगा, आप जो कहेंगे करूंगा, आप कहेंगे तो आपको भी मार दूंगा गोली। हाँ अब तो गुरु की शरणागति हो गई, इसलिए बुद्धि लगाने का काम ही नहीं है। ये बुद्धि लगा लगा करके हम लोग अनादिकाल से अब तक 84 लाख में घूम रहे हैं, अन्यथा अनंत जन्म में अनंत महात्मा मिले, भगवान मिले, स्वयं रामकृष्ण को देखा हमने, लेकिन बुद्धि लगा दिया। ये तो ठीक कहते हैं, लेकिन ऐसा है कि
प्राइवेट बुद्धि अपनी लगा दिया हमने और फिर वही संसार में आ गए। देखो तुम आत्मा हो, तुम्हारा सर्वस्व परमात्मा है, तुम शरीर नहीं हो, इसलिए शरीर संबंधी माँ बाप बेटा स्त्री पति ये तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि फिर वही आ गए, यही हमने अनंत जन्म किया 84 लाख में घूम घूम करके, और भगवान फिर भी दया करते हैं तो कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। फिर भी भगवान को दया आ जाती है, बहुत 84 लाख में घूम चुका, अब एक बार चांस और दे देते हैं, मानव देह मिल गया, भूल गया, गर्भ में प्रतिज्ञा किए था वो भी भूल गया, और उसके भूलने का खास और सहयोगी हो गए माँ बाप भाई बहन सब ने मिलकर के उसको ऐसा लपेटा कि वो सब भूल भाल गया, क्या बलाय है भगवान। अब जब सब जगह उसकी आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया, फिर उसके बाद कोई महात्मा जी आए समझाए तो बात तो समझ में आती है, लेकिन वो इतना गहरा हो गया है अटैचमेंट कि डिटैचमेंट में बड़ी कठिनता आ रही है, अब मन को हटावे कैसे, इतना व्यस्त जीवन हो गया इस कलयुग में कि टाइम नहीं प्रैक्टिस करने का। और भगवान कहते हैं अर्जुन अभ्यासेन तो कौन तेज वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, संसार से मन हटाओ, क्यों समझ कर, क्योंकि वो संसार शरीर के लिए भगवान ने बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं बनाया, शरीर के उपयोग के लिए बनाया है, उपभोग के लिए नहीं बनाया है। तुम उपभोग करने लगे, आनंद ढूंढ रहे हो उसमें, अरे चूने के पानी से मक्खन नहीं निकलेगा, माना कि वो सफेद है, दूध से ही मक्खन निकलता है। तो यदि कभी किसी जन्म में हमारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमारी एक ही मिस्टेक है, हमने ही नहीं लगाया, भगवान के लिए भी आंसू बहा दिया, लड़की विदा हुई वहां भी दो आंसू बहा दिया, ये नाटक किया हमने, दोनों ओर पैर रखे हैं विरोधी साइड में जाने वाली नावों में। भगवान कहते हैं भाई देखो मैं बार बार कह रहा हूं मां मेव जे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती ते एव तमेव शरणं गच्छ एव, केवल भगवान की शरण में जाना होगा, तुम नहीं मानते तो मैं क्या करूं। तो इसलिए कह रहा है कि अब तू ही तू ही तू ही मेरा है, ये बात समझ में आ गई है, मैंने एडमिट कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, और मैं ही नहीं, तुम्हारे तो अनंत संत हैं, अनंत दास हैं, बड़े बड़े काबिल, मैं कैसे कह दूं कि मैं ही तुम्हारा हूं, तुम ही हमारे हो ये तो ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारा हूं ये ठीक है, यहां भी लगाना जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े संतों के जहां हिसाब किताब है वहां एक साधारण पापात्मा जीव वो भी न लगावे तो बड़ा अनधिकार चेष्टा कहलाई है कहाई जाएगी, तो इसलिए यहां भी लगा रहा है कि तू ही मेरा है और मैं भी तेरा हूं, अब बात बन जाएगी, अर्थात हमको ये मानना है कि तू ही मेरा है मैं भी तेरा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मधु स्नेह होता है तू मेरा है, और घृत स्नेह होता है मैं तेरा हूं, तो घृत स्नेह कमजोर होता है, टेम्परेचर से घी पिघल जाता है और शहद नहीं पिघलती, इसलिए तू मेरा है ये प्रेम गोपियों का है ब्रज की, और मैं तेरा हूं ये प्रेम द्वारिका की पटरानियों का है, वो नीचे क्लास का है, इसलिए द्वारिका की पटरानियां ब्रज गोपियों के चरण धूल मांगती हैं,
भगवान से, कुछ कुमकुम गंधाढ़्यम मूर्धना बोधुम गदाभृता, अस्तु तो हम लोगों को बस ही लगाना है।